बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। तो देखिए, आज बारिश हो रही है, मौसम बहुत पुरसकून हो गया है और आज एक स्पेशल डे भी है, फादर्स डे। तो शुरू में आपने जो क्लिप देखी तो वो हमारे पापा जी की थी और अल्लाह पाक, वैसे तो सब दिन एक दिन कोई स्पेशल नहीं होता है कि माँ के लिए या बाप के लिए, वो हमारे लिए हमेशा से स्पेशली होते हैं, लेकिन एक दिन उनका ऐसा होता है जो सेलिब्रेट किया जाता है और सब मिलके घर में खुशियाँ बनाते हैं। तो जो जो लोग फादर्स डे मना रहे होंगे तो वो सब आज अपने अब्बू जी या पापा जी या डैडी, जो भी आप पुकारते हो, तो दिल से अपनी मोहब्बत का जा करके इजहार करिए। और अपनी मोहब्बत का एहसास दिलाइए और इसको अच्छे से सेलिब्रेट करिए और उनको एक अच्छा सा तोहफ़ा दीजिए, क्योंकि तोहफ़ा देने से इंसान की जो मोहब्बत होती है उसका एहसास होता है। और आज हम कोई वीडियो शेयर नहीं करने वाले थे क्योंकि मेरी तबीयत सुबह से बहुत ज़्यादा ख़राब है और बहुत खांसी आ रही है, क्योंकि हमें साइनस की प्रॉब्लम है और जब मौसम ठंडा हो जाता है तो हमारी दिक्कत थोड़ी बढ़ जाती है। तो गले में अगर आवाज़ ख़राब हो रही होगी तो प्लीज़ इग्नोर करिएगा। और जैसा कि हमने बताया कि आज फादर्स डे है, तो हम अपने पापा जी के लिए, उनके लिए क्या स्पेशल कर रहे हैं, तो सोचा कि उनके लिए, उनको जो पसंद हो तो उनके लिए एक स्पेशल सी डिश बनाई जाए। तो आप लोग अक्सर शादी में गए होंगे और जहाँ पर वेज कॉर्नर होता है, मतलब वेज का इंतज़ाम होता है, वहाँ पर देखते होंगे कि एक तवा फ्राई वेजिटेबल्स का होता है सेक्शन। तो यहाँ पर देखिए, हमने 5-6 तरह की सब्ज़ियाँ ले ली हैं, आलू और अरवी को उबाल लिया है, उनको अच्छे से काट लिया है, छील लिया है, और यहाँ पर हल्दी, मिर्चा, नमक और चाट मसाला और आमचूर पाउडर, खटाई मसाला। तो बस अब्बू जी के लिए वही स्पेशल सी सब्ज़ी बना रहे हैं और उनको वेज खाने बहुत ज़्यादा पसंद हैं और उन्हें नॉनवेज खाने का कोई शौक़ नहीं है। नॉनवेज में वो खाली स्टू खाना पसंद करते हैं। तो लेकिन जो चीज़ घर में थी तो उनको स्पेशल फील कराने के लिए और उनकी मनपसंद स्पेशल सी डिश हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, तो सोचा उसकी रेसिपी भी आपके साथ शेयर कर लें। और ये देखिए, सारे इसमें सूखे मसाले डाल के इसको हमें अच्छे से इसके ऊपर कोट कर देना है। और आप सब भी बताइएगा कि आप सब ने फादर्स डे कैसे मनाया और क्या गिफ्ट दिया अपने फादर को और कैसे सेलिब्रेट किया। तो आज हम, अगर हो सकेगा, तबीयत थोड़ी अच्छी रही तो केक की रेसिपी हमने आपसे ऑलरेडी शेयर ही की है, तो अगर तबीयत ने थोड़ा साथ दिया तो इंशाल्लाह ताला हमने सोचा है कि केक बना करके और पापा जी से उसको जो है कट करवाया जाए। तो वहाँ पर देखिए, हमने तेल में सब्ज़ी जो है डाल दिया ताकि फ्राई हो और ढक दिया है। और यहाँ पर ज़ीरा, हींग डाल करके उसको अच्छे से चटकने दिया और उसके बाद उसमें हरी मिर्च और प्याज डाल दिया है। अब इसको थोड़ा सौते करेंगे, इसको गोल्डन ब्राउन हमें नहीं करना है। और मेरी तबीयत की, मेरे लफ्ज़ों से और मेरे थोड़ी लेजीनेस से पता ही चल रहा होगा कि मेरी तबीयत सच में नहीं अच्छी है, तो नहीं मन हो रहा था वॉइस ओवर करने का, लेकिन आज फादर्स डे था तो सोचा कि वीडियो जो है आपके साथ शेयर किया जाए। और कुछ आज का दिन जो फादर्स के लिए है तो इसका वीडियो अपलोड किया जाए और कुछ पापा जी को स्पेशल फील कराया जाए। तो यहाँ पर हमने लहसुन अदरक डाल दिया है और टमाटर, 2 टमाटर की प्यूरी डाल दी है
और आप इसे बना कर देखिएगा ज़रूर, इंशाल्लाह ताला आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। और बस अल्लाह पाक से यही दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे सर के ऊपर हमेशा हमारे माँ बाप का साया कायम रखें, उनकी दुआओं का सिलसिला हमेशा हमारे सरों पे बना रहे, उनका साथ हमेशा बना रहे, और अल्लाह पाक उनको लंबी सेहत और लंबी ज़िंदगी दे, खूब अच्छी सेहत दे, शिफा, और उनकी दुआओं में तो शिफा होता ही है। तो बस हमें उनकी दुआओं की हमेशा ज़रूरत रहती है। और यहाँ पर देखिए इसके अंदर हम डालने जा रहे हैं मैगी मसाला, तो 1.5 चम्मच के करीब डाल दिया है, हल्दी, मिर्चा, धनिया, और इसमें ज़्यादा मसाले नहीं, बस हो गया। अब इनको हम अच्छे से भूनेंगे। तो ये देखिए सब्जियाँ भी हमारी कुक हो चुकी हैं थोड़ी सी। तो हाँ, हम फादर जी के ऊपर कह रहे थे कि अल्लाह पाक हमारे सरों पे हमेशा हमारे बाप का साया बनाए रखें। तो ये देखिए सब्जियाँ हमारी 70% कुक हो चुकी हैं। अब इनको हम मसाले को बीच में करके और इनको ऐसे हमें किनारे किनारे सब्जियों को रख देना है। तो मौसम तो हमारे यहाँ बहुत अच्छा हो रखा है, हम तो छत पर आकर हमने कहा चलो छत पे बैठ के वॉइस ओवर करते हैं, तो चिड़ियाँ चहचहा रही हैं और मौसम बहुत पुरसकून हुआ है। अभी अभी बारिश बंद हुई है, तकरीबन हमारे यहाँ बारिश हो रही है 10:30, हाँ 10 बजे रात से हो रही थी। तो ये देखिए सब्ज़ी जो है हमारी ऑलमोस्ट डन है, और यकीन मानिए आप इसे बेसन की रोटी से या पूड़ी से और या रोटी से, जैसे आप खाना चाहें मिस्सी रोटी से, उस इसे खाइए और इसका लुत्फ़ उठाइए, आनंद लीजिए। तो ये देखिए हमारी वेज तवा फ्राई सब्ज़ी तैयार है। तो इसके अंदर हमने धनिया पत्ती से गार्निश कर दिया है, ये इसका फाइनल लुक था। और तकरीबन ये दिन का वक्त है, तो भूख लग रही थी, तो आज जनाब मेरा मन करने लगा मैगी खाने का। वैसे तो हम खाते नहीं, आज ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि हम मैगी खा रहे हैं, वरना बच्चों को बहुत डांटते थे। और ये मैगी भी बहुत अच्छी बनी थी, और मेरे चैनल पर मैगी की रेसिपी जो है वो ऑलरेडी अपलोड है। और इसको हमने प्याज वगैरह से पघार के तब ऐसे बनाया है, और इस तरह से ये बहुत अच्छी बन जाती है। और ऐसे जो बॉयल करके बनती है उसमें मज़ा नहीं आता। तो हमारे बच्चे जो हैं, अक्सर हमारे बच्चे इसको ऐसे मतलब प्याज से तड़का लगवा कर, टमाटर वगैरह डलवा कर तब बनवा कर खाते हैं। बहुत से लोग ऐसे ऐसे ही बनाना पसंद करते हैं, क्योंकि ऐसा बनाने से मैगी का टेस्ट जो होता है और अच्छा हो जाता है। तो ये मेरा छोटा सा वीडियो था, और अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा और फैमिली फ्रेंड में शेयर कर दीजिएगा, बेल को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको मिल सके। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, मेरे लिए भी दुआ करिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।